फंसी भी है और अभी ये जा रहा उतारने, तो देखते हैं किस तरह उतारते हैं। वाह जी वाह यासिर साहब, ये आ गई है। मैं पकड़ूं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये कल रात को मैं बर्तन लेके आया था ये इन चिक्स के लिए, ये भी मैं बताता हूँ कि मैंने रखने की तरह, और ये दो डोलियाँ लेके आया हूँ जिस तरह। तो ये बर्तन ले गया था क्या, मैं कहता हूँ इसको ऐसा काम करी कि डोली इधर से हिल ना सके, इसके अंदर फिक्स ही है। इधर आई यासर एक। अच्छा दोस्तों, ये डोली लेके आया था मैं, अभी आपको इसका बताता हूँ। ये मैंने पूरी रात पानी में रखी है ताकि पानी सही तरह चूस लें, और फिर ये इस तरह ये लगेगा ना, ये पूरा एंगल द्वार पे, और फिर ये दोनों डोलियाँ ऐसे एंगल 15-20 भी नहीं है, 35 से कहोगे थोड़ी लूज है, वो कुछ चीज डल जाएगी ना यार, क्या हुई उन्होंने कड़ा इसमें कबड्डी खेलनी, उन्होंने सिर्फ आगे बस बैठने, उनका पाव वजन भी नहीं होता। तो जिस तरह यहाँ पे उसने बच्चे निकाले ना दोस्तों, वो आपको मैंने दिखाया था, वो ये देखें, ये भी ऊपर ये है, देखें ये घोंसला है यासर, मुझे लग रहा है बच्चे नहीं है ऊपर, नहीं है पता नहीं, चेक करें ना यार, ये तो उड़ जाते हैं। इसी तरह ये मैं इसलिए ले के आया हूँ कि ताकि ये डोलियाँ लगा सकूँ, अगर ये कामयाब होगी फिर और भी ले के आऊँगा, 8-10 और ले के आऊँगा, अलग अलग जगह पर लगाएंगे। नहीं है इनकी बेवकूफ़ी होती है, उड़ के कहीं गिर जाते हैं फिर बिल्ली पकड़ के खा लेती है, उड़े तो यार देख होंगे अंदर, नहीं नहीं उड़े हुए, वो इतने इतने तो हो गए थे कल, साफ सारे बाहर लेटे हुए थे यार, ये बड़े अजीब नहीं है ये। अच्छा जी दोस्तों, तो वो उड़े हुए हैं, चलो कोई नहीं, किस्मत में नहीं थे। तो ये इनको मैंने रोटी छोटी डाली हुई है, और ये बर्तन की बात कर रहा था, ये बर्तन जो इनके लिए लेके आया हूँ अभी, क्योंकि मैं यासर अब ये थार उठा लें ताकि ये नीचे से सारा खा लें। अच्छा ये थाल लेके आने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनके लिए पानी आ जाएगा, और बाकी कोल ये जो दायरा है यहाँ पे इनके लिए फीड आ जाया करेगी, ठीक है। तो अभी तो मादियाँ डर रही हैं, सीधी जो बात है मादियाँ डर रही हैं। ये पकड़ी, ये देखें, ये मादी डर रही है, यहाँ से बिल्ली को चेक करिए, ये मैंने इनके लिए फीड और पानी रखा है, पहले रोटी दे दी, लेकिन अभी ये चूचे वगैरह डर रहे हैं, मादी डर रही है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन काम करना पड़ेगा, किससे? वो उन्होंने उसमें भी गिरा है। नहीं है, ये मेरे से गिरा है, ये मेरे से गिरा है, मैंने चेंज किया इसलिए मेरे से गिरा है। तो अभी ना ये हिल सकता है, पहले रखो तो बिल्कुल, आपको मैं दिखाता हूँ, इनके लिए बाजरा रखो या पानी रखो तो ये मादी जोन सी है पाँव मार के देखे गिरा देती थी, ठीक है। तो अभी आसरी इधर नहीं, ये इनके लिए ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये बच्चे हैं आसरे, इनको नहीं पता कि क्या फीड लेके आए, इनके में फीड डाल, तो अभी फीड इसके सामने डालते हैं, तो ये सारा गंद चिकड़ वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो साइडों साइडों पे डालो, ये भी डाल रहे, ये इस तरह माशाल्लाह खुद ही आएंगे, थोड़ी सी डाल दे सुबह भी, अगर बचती है तो सुबह, फिर ये अगर बंदा उठता भी लेट है तो चलो इनकी फीडिंग होती रहेगी। बस ये फीड डाल दी इनको हमने, तो ये इस तरह, इसका ये फायदा कि ना ये बर्तन मादी उल्टा कर सकती है ना चूचे, और इसमें अभी ये बस ये खाते रहेंगे, और फिर ये देखें इधर भी मैंने रख दिया, पानी भी रख दिया और बर्तन भी रख दिया और फीड भी डाल दिया, अभी ये सिर्फ ये खा ले रोटी छोटी, तो फिर इंशाल्लाह इनको यहाँ से ऊपर करके है ना, ये ऊपर ये सारे ऊपर ठंडे, क्योंकि अंगूर भी आ गए ऊपर, मिट्टी भी डाली हुई है। तो बस अब ये एक ये फिर रहे, और बाकी वो फिर रहे हैं, उनको बंद करके, तो फिर इंशाल्लाह अब फीड तैयार होगी, पानी तैयार होगा, तो बस ये खा लेंगे। रोटी किधर रखी है यासर? पर इनको भूख लगी हुई है अभी, ये जो रोटी और रखते हैं इनके लिए, ये मादी भी खा रही है, तो मादी खा रही है ना, इसीलिए तो दे रहा हूँ उनको, तो ये खा रहे हैं जी। तो ऊपर बड़ों को भी जो छत पे हैं उनको भी दे दी है, रोटी भी दी है, और या से शाम के टाइम में उनको थोड़ा थोड़ा बाजरा दे दी, चोंडो मुर्गी ना खोला कर, वो दूसरा मुर्गा क्रॉस करके आया, तो खैर वो भी तो तगड़ा मुर्गा, तो इसके साथ सही है सुल्तान।
तो भी किधर बंद की है मादी? आजाद फिर रही है, मैंने इसलिए बोला मैं पर वो पिछले रोज अंडा दे रही है, ये पहली मुर्गी है हमारे। हाँ चलो सही है ना, तो अभी फिर सुल्तान के साथ है, आजाद है तो मुर्गा बंद कर दिया कर रहा आजाद फिर वो फिर नीचे से चुनती है। नहीं नहीं दूसरा ये रहा। अच्छा वो हाँ तो ये अभी खा रहे हैं, मुर्गी भी खा रही है, मुर्गी थोड़ा सा भर जाए तो फिर इंशाल्लाह इसको बंद करते हैं। ये देखें जी, और ये हमारे अखरोट का पौधा देखें माशाल्लाह किधर तक चला गया, ये इंशाल्लाह इस साल नहीं अगले साल ये छांव भी देगा और ये फल भी देगा। और ये अंजीर तो काफ़ी इसने अंजीर पकड़े, मैं आपको मैं दिखाता भी हूँ, इसने बहुत ज़्यादा अंजीर पकड़े हैं। ये देखें ये अंजीर, ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे अंजीर इसने पकड़ लिए। ये देख, ये देख रहे हैं, ये देख, ये सारे इसने अंजीर पकड़े हैं। ये जी दोस्तों स्टोरेज फुल हो गई थी मेरे फ़ोन की, तो अभी मैंने डिलीट किया। और ये देखें ये इस तरह अभी मुर्गी पैर मार रही थी इसको उल्टा, ये देखें पैर मार रही है मतलब उल्टा करने के लिए। तो इससे ये होगा कि ना फीड को मिट्टी लगेगी और पानी भी इनके लिए पूरा दिन पड़ा रहेगा क्योंकि गर्मी, और फीड भी हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। अगर सुबह ये लेट खुलते हैं तो ये अपना पेड़ पूजा ही अपनी कर लेंगे, ठीक है। अभी मुर्गी पैर मारने की कोशिश कर रही है उल्टा करने की, लेकिन ये काफ़ी हैवी लेके आया हूँ तो इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी दोस्तों ये लगाने, अभी खाना छाना खा के इंशाल्लाह फिर ये डोलियाँ लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। और ये एंगल आपको मैं दिखा दूँ हमारे पास कितने ज़्यादा पड़े हुए, ये देखें ये सारे एंगल पड़े हुए, ठीक है। ये मैंने हर खुडे के लिए, ये जो खुडे देख रहे हैं आप, ये सारे खुडे, इन खुडों के लिए दो दो बनवाए थे, 14 खुडे ये हैं, 6 वो सामने थे वो मैंने तोड़ दिए हैं वहाँ के लिए भी, मतलब ये टोटल 40-50 के करीब मैंने एंगल बनवाए थे ये सारे पड़े हुए। तो अभी सिर्फ इंशाल्लाह ये लगा के तो फिर इंशाल्लाह और भी फिर डोलियाँ हम जगह जगह पर लगा देंगे, फिर जिस तरह वो जो चिड़ियाँ थीं वो जो जिस तरह नेस्ट उन्होंने बनाया, लेकिन निशान उड़ गए, बच्चे उड़ गए, तो फिर उनके लिए डोलियाँ होंगी तो फिर वो हिफाजत से रहेंगे।